सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नमो नमः। आज हम जो बातें करने वाले हैं वो नाग पंचमी के बारे में हम बात करेंगे। मेरे प्रवचन के बाद एक मित्र ने पूछा कि गुरुजी नाग पंचमी का जो स्थूल अर्थ है हम जानते हैं, हम बहुत स्टोरी भी सुने हुई है, तो वो तो ठीक है, मगर आप कुछ आध्यात्मिक अर्थ बताइए। तो मैंने सोचा कि चलो वो आध्यात्मिक अर्थ भी वो जानना चाहिए, क्योंकि हम धार्मिक मीनिंग जानेंगे तो कभी कभी हमको मन में प्रश्न उठ जाता है। तो हम तीन बातें करेंगे। पहले स्थूल अर्थ है उसके बारे में सोचते हैं, फिर दूसरा सूक्ष्म अर्थ, और फिर स्पिरिचुअल मीनिंग, सूक्ष्मतर जो है अर्थ हम ढूंढेंगे, बातों में से हम निष्कर्ष निकालेंगे, सोचेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहली बात है कि जैसे कुर्मावतार होता है तो कछुए की हम लोग रक्षा करते हैं, गौ माता की हम रक्षा करते हैं, तो अहिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये बारिश की सीजन है, जैसे सर्प निकलता है तो उसी को फिर से जंगल में छोड़ आना चाहिए। तो ये जो बात है, इसलिए हम नाग देवता की पूजा करते हैं, ये पहली बात हो गई। जैसे इकोलॉजिकल, सबको हमको सम्मान देना है, तो ये जो बात है, तो ये पहली बात मैंने स्थूल अर्थ आपको बताया। फिर सूक्ष्म बात करते हैं कि एक धर्म है और धर्म से जुड़ी हुई बात रहती है, तो उसमें आरोग्य की बात भी पहले आती है। जैसे नाग पंचमी में लोग नाग की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं, तो घर में ऐसे नाग देवता का चित्र बनाते हैं, उसका मतलब ये है कि एक स्टोरी है। आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो विज्ञान है वो हम लोग भूल गए हैं, तो ये जो नाग पंचमी है उसमें जब उपवास रखते हैं तो आप क्या करो, पूरा उपवास रखो। यदि भूख लगे आपको तो फिर आप कोई फ्रूट जूस पी लो या फलाहार कर दो। तो ये जो वर्षा ऋतु है, जैसे श्रावण महीना है, तो उसी में अग्निमंद होता है, तो मंदाग्नि सर्व रोग मूलम, मंदाग्नि सब रोग का मूल है, इसलिए अग्नि प्रदीप्त हो जाए इसलिए उपवास रखो, एक भी ये अर्थ होता है। तीसरा हम थोड़ा और धार्मिक बात करेंगे। जितने भी भगवान रहेंगे तो वो जो शंकर भगवान की हम बात सोचेंगे तो उसके गले में सर्प है, फिर विष्णु भगवान की बात सोचेंगे तो वो शेष सैया पे लेटे हुए हैं, तो ऐसे जो भगवान भी है वो सर्पों का आधार लेते हैं। पहले आप देखते हैं कि क्या होता, युद्ध होता था तो उसमें कोई अग्नि का बाण छोड़ता था, कोई क्या होता है कि नाग का बाण छोड़ता था, तो ये समझ में नहीं आएगा। मगर जब आप रामायण सुनते हैं तो राम भगवान नाग पाश में बंदी बन गए और फिर गरुड़ भगवान आए और उन्होंने नाग पाश में छुड़ाया। मेरा एक वीडियो है, वो मैं आपसे आपको बताता हूँ कि आप ऐसे वीडियो देखते रहिए, तो मैं आगे जाके एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं पूरा ये रहस्य बताने वाला हूँ कि कैसे विष्णु भगवान थे, उसने राम का अवतार लिया रामावतार में, फिर वो जो नाग पास में बंद गए, फिर गरुड़ जी को मोह हो गया, फिर वो काक भूषणी के पास जाता है, फिर मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके उपजत सब सूला। तो ये जो बातें हम आगे आगे चर्चा करेंगे, मगर आज जो नाग पंचमी है उसके बारे में जो भगवान भी है उनका भी साथी जो है वो नाग, गणेश भगवान को देखिए तो उसके जैसे वो लंबोदर है, उसका पेट बड़ा है, तो आप देखेंगे कि नाग भी वहां भी है। तो ये जो हुआ धार्मिक अर्थ, अभी आध्यात्मिक अर्थ रहता है। जब आध्यात्मिक मैं शब्द बोलता हूं ना तो ऐसे करना कि जैसे फोकस अपने आप ले आओ, मीन्स यू पे अटेंशन ऑन योर बॉडी माइंड एंड कॉन्शियसनेस। जैसे ही मैं स्पिरिचुअल बोलूंगा, आध्यात्मिक अर्थ बोलूंगा, तो पहले आप कौन है, तो आपके भीतर एक कुंडलिनी शक्ति है। जैसे आप देखते हैं कि कुंडलिनी शक्ति कैसी है, तो ऐसे है कि 3.5 ऐसे राउंड लगा के, फिर उसका मुंह में उसकी पूंछ है, और फिर ये डोरमेंट स्थिति में है, सुषुप्त अवस्था में है। तो आपको जो बीज मंत्र है लम वम रम यम हम, मेरे वीडियो में आप देखते रहते हैं, तो ये बीज मंत्रों से आपको उस कुंडलिनी को जागृत करना है। जैसे कुंडलिनी जागेगी तो आपके जीवन में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अपने आप आता है। वो कुंडलिनी जागृत का विज्ञान है। वो क्या होता है कि जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कोई मास्टर के पास से सीखते हैं, तो कुंडलिनी का जो विज्ञान है
तो उनके बारे में जो जानने वाले के पास से आपको सीखना चाहिए, शास्त्र में लिखा है एवं गुरुपदेशेन मनो निश्चलताम नयेत न तु स्वेन प्रयत्नेन तद्वीना पतनम भवेत। उसका मतलब आप कोई भी चीज है तो किसी से सीखते हैं, तो ऐसे ही आप बोलेंगे मैं प्लेन चलाऊं, ऐसे नहीं, आपको किसी के पास से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो ऐसी ये कुंडलिनी शक्ति है, तो उनके जो जानने वाले गुरु रहते हैं उनके पास जाके आपको ई ज्ञान लेने चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनको एक सिस्टमेटिक साधना सिखाता हूँ कि कैसे बीज मंत्र है, फिर उसका प्रयोग कैसे करें, फिर आहार विहार में कैसे ध्यान रखें। तो ये सब बातें एक सिस्टम से सीखी जाती हैं। तो ये जो आपका जो शरीर है उसमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र, ये नाग का प्रतीक है, एक सरपंट पावर। आपके भीतर एक अनंत शक्ति है, तो ये शक्ति को जागृत करने के लिए ऋषि मुनि ने जो जो बात बताई तो कभी कभी जनमानस तक नहीं पहुंचेंगी। इसलिए गुरु लोगों ने क्या किया, अपने जो ऋषि मुनियों ने नाग पंचमी का त्योहार रख दिया, तो जिसकी बुद्धि स्थूल होगी वो नाग की पूजा करेगा, फिर थोड़ा अध्यात्म में आगे बढ़ेगा तो वो धर्म की चर्चा करेगा, फिर उससे भी आगे बढ़ेगा तो वो स्वयं के बारे में सोचेगा और अंदर जो भीतर जो सोई हुई शक्ति के है उसी को जगाने का प्रयत्न करेगा। तो अभी आपको मैं ऐसे निमंत्रण देता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं जो साधना बताता हूँ वो आप कीजिए। मेरा वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएंगे वो आपके जीवन को बदलेगा। आई चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल, माई वीडियो इज चेंजिंग द लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों का मुझे ऐसे कभी फोन भी आता है, लोग ईमेल भी मुझे करते हैं कि गुरुजी आपने जो बताया हमने किया और मेरे पुत्र में ये परिणाम आया, मुझ में ये परिणाम आया। एक मित्र ने मुझे बताया कि जैसे आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, आपने जब बताया तो मैं कभी कभी ऐसा बोलता हूँ और उसके बारे में चिंतन करता हूँ। तो उन्होंने बताया मेरे पत्नी में कोई परिवर्तन नहीं आया, मेरे जैसे पुत्र में परिवर्तन नहीं आया, मगर मेरे में परिवर्तन आ गया, मैं आनंद में रहता हूँ। फिर एक औरत मिली, उन्होंने बताया कि मेरे पति में परिवर्तन नहीं आया, मेरे सास में परिवर्तन नहीं आया, मेरे बच्चे में परिवर्तन नहीं आया, पर मुझ में परिवर्तन आ गया, मैं हमेशा आनंद में रहती हूँ। तो मुझे पूछते हैं तो मैं बताया कि जो भी आप सोचते हैं ना तो वो शब्द में परिवर्तन रहता है, तो शब्द बदलने से सोच बदलती है, सोच बदलने से आपके संस्कार बदलते हैं और संस्कार बदलने से आपका जीवन बदलता है। तो नाग पंचमी के लिए इतना ही काफी है। आपको मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूँ, आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। जब मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ तो स्थूल अर्थ में मत ऐसे समझिए, आपके गुरु है वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको मान आप जिसमें भी प्रभु में मानते हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं। मैं निमित्त भाव से बोल रहा हूँ। तो आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, अस्तु। अभी मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ।